नाज़रीन, आज हम पैनिक बटन के पास मौजूद हैं। अभी मैं आपको इसको टेस्ट कॉल भी करके दिखाऊंगी। ये पाकिस्तान वर्चुअल वुमेन सेफ्टी पुलिस अथॉरिटी की जानिब से जो है वो ये बटन्स कायम किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर फौरी तौर पर आपको जब भी मदद की जरूरत हो पुलिस या डॉल्फिन की मदद से यहाँ पर आपको फौरी तौर पर मदद मिलती है। आइए अब हम आपको एक टेस्ट कॉल भी करके दिखाते हैं। नाज़रीन, बूथ पर जो है वो कैमरा भी ऊपर नस्ब किया गया है ताकि आप जो है वो जब यहाँ आए तो आपका फेस जो है वो भी आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब हम यहाँ पे जो है वो टेस्ट कॉल करते हैं। Welcome to using which Seiko Lab system. Hello, assalamu alaikum 15. Walaikum assalam. हम यहाँ पर जो है वो टेस्ट कॉल कर रहे हैं जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको पता चल सकता है क्या मैं इस टाइम पे किस लोकेशन पे मौजूद हूँ? आप इस टाइम है पिज़्ज़ा हट MM आलम रोड। बहुत शुक्रिया आपका, हम यहाँ पे टेस्ट कॉल कर रहे थे। थैंक यू सो मच। देखा आपने, मैंने यहाँ पे टेस्ट कॉल की और इन्होंने किस तरह से फौरी तौर पर जो है वो मेरी लोकेशन इन्हें पता चल गई, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की वजह से जब मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मेरा जो फेस है वो स्कैन होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी गई हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं, चाइल्ड से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा आपकी ट्रैफिक जो है उससे रिलेटेड भी जो है वो यहाँ पर वर्क होता है। आइए अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस करते हैं। जी नाज़रीन, हम वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हम अक्सर से बात करते हैं और अक्सर से जानते हैं कि ये है एप्लीकेशन है क्या और ये किस तरह से प्रोसेस करती है। अस्सलाम वालेकुम अक्सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अक्सर, मुझे ये बताएं कि ये जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या इकदाम किए जाते हैं? पहले मैं आपको बता दूं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है क्या। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खासूसी तौर पे ख्वातीन के लिए बनाया गया है और ये जो डिपार्टमेंट कह दें, यूनिट कह लें, कि ये बनाने का मकसद ये था कि हमारी ख्वातीन जो कि घर बैठे अपना मसला इसलिए नहीं बता पाती थी या अपनी आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाती थी कि कहीं पे कोई फैमिली का प्रेशर, कहीं पे सोसाइटी का प्रेशर, कहीं पे वक्त का मसला, तो कहीं पे ये डर कि पता नहीं पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। सो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है कि जहाँ पे ख्वातीन घर बैठे या जहाँ भी वो मौजूद हैं वो हमें फ़ोन करेंगी, फ़ोन कॉल के ज़रिए से अपना मसला बताएंगी या अपना मसला बताएंगी। मसला बताने के बाद फिर हम यहाँ से वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो कि पुलिस ऑफिसर है, उन्हें इस बात का पाबंद करते हैं कि आप मौके पर जाएंगे। मौके पर पहुँच के आप हमारी जो खातून जो कि विक्टिम है उसे एप्लीकेशन लेंगे और एप्लीकेशन लेने के बाद उसके ऊपर एज़ पर लॉ जो भी है उसकी प्रोसेसिंग बनती हुई आप वो करेंगे और आप हमें साथ साथ बताते रहेंगे। हम यहाँ से कंटिन्यूस फॉलोअप लेते हैं और कंटिन्यूस फॉलोअप लेने के बाद हम अपनी खातून विक्टिम को घर बैठे फ़ोन कॉल के ज़रिए से ये सारा प्रोसेस बताते हैं कि मैडम अब आपका आपकी जो भी एप्लीकेशन थी, जो भी मसला था, वो कहाँ तक पहुँच चुका है। सो इसके अलावा मैं आपको वो तरीक़ेकार बता दूं कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से आप कैसे रब्ता कर सकते हैं। पहला 15 कॉल के ज़रिए से, क्या आप 15 पे कॉल करेंगे, दो दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरा वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से। तीसरा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पोर्टल मिलेगा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का, आप उस पोर्टल के जरिए से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, उस नंबर के जरिए से भी आप अपनी कंप्लेन नोट करवा सकते हैं। सो किसी भी जरिए से, किसी भी तरीक़ेकार से आप अपनी अगर कोई भी शिकायत हम तक पहुँचाते हैं तो एक दफ़ा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो गए, प्रोसिक्यूशन तक आपका हमारा साथ रहेगा। इसमें कई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट आती है, आपकी FIR आती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन आती है। सो इन सारे प्रोसेस में हम आपके साथ मौजूद रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं कहीं बाहर हूँ या मेरे बैग में फ़ोन है और मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो मुझे किडनैप करने की कोशिश करता है या कोई भी हादसा होता है, उस सूरत में मैं आपको किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करूँ? देखें, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है उस सूरत में पैनिक बटन पूरे लाहौर में मौजूद है, आप पैनिक बटन के ज़रिए से अपना मसला बता सकते हैं। पैनिक बटन का एक फ़ायदा हमारे पास ये भी है कि जहाँ पे आप उसमें उस बटन को प्रेस करेंगे उसी वक्त आपकी लोकेशन भी हमारे पास आ जाती है कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। सो करीबी जो भी हमारी फील्ड फोर्सेज मौजूद होती हैं हम उनको आप तक पहुँचाते हैं, आप तक डिस्पैच करवाते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो आपके पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। अच्छा, तो ये पैनिक बटन जो है ये जब कोई भी पैनिक बटन प्रेस करता है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो लोकेशन पे किस पे मौजूद है?
मैं पैनिक बटन के हवाले से एक और चीज़ आपको बता दूं कि अब पैनिक बटन वो एक सेफ्टी जोन बना दिया गया है, उसका नाम असल में जो सेफ्टी जोन रख दिया गया है। सो किस तरह से वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं? वेल तमाम तक बड़े हॉस्पिटल्स जो कि लाहौर में बहुत नामी गिरामी है, इसके अलावा तालीमी इदारों के करीब, बस अड्डों के करीब, पार्कस के करीब, इन सभी मुकाम पर पैनिक बटन लगाए गए हैं। सो इसकी निशानी एक ये हो सकती है कि जहाँ पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक कैमरा लगा है उसी पोल के साथ रेड कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर एक आपको एक बटन नजर आएगा। सो वो हमारा असल में सेफ्टी, जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे आप सेफ्टी जोन में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो मुझे ये बताएं कि कितनी देर में, कितने टाइम में आप जो हैं वो अगले को प्रोटेक्ट कर लेते हैं? देखिए वो अब डिपेंड करता है, हम वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं। सो पूरे पंजाब में हमें कई ऐसे एरियाज भी हैं कि जहाँ पे हमें अगर कॉल आती है तो वो पुलिस स्टेशन क्योंकि करीब ही है तो वहाँ पे पुलिस तो हमारी जल्दी पहुँच जाती है। कई ऐसे एरियाज भी हैं कि जहाँ पे जब हमें कॉल मौसूल होती है तो पुलिस को पहुँचने के लिए कुछ वक्त दरकार है, जो कि एज़ पर पुलिस टाइमलाइन, जो कि टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली फिर हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली पुलिस को पहुँचना चाहिए, पहुँची है कि नहीं पहुँची, अगर नहीं पहुँची तो उसकी वजूहत क्या थी। और हमारा क्योंकि मकसद यही है कि हमने अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर को हर हाल में पहुँचाना मौके पर, और इसकी कन्फर्मेशन फिर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से नहीं लेते, हम अपने विक्टिम को कॉल करते हैं कि पुलिस वाकई में आपके पास पहुँच गई है, जब वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास आ गई है, अब कार्रवाई शुरू हो गई है, उस वक्त में फिर हम पुलिस को ज़रा तनहा छोड़ देते हैं कि अब आप अपनी तसल्ली कर लें, इनसे एप्लीकेशन ले लें, उसके बाद फिर हमारा दोबारा फॉलोअप शुरू हो जाता है और तब तक रहेगा जब तक वो केस प्रोसिक्यूशन लेवल पर नहीं जाता। प्रैंक कॉल्स आती हैं, उनका क्या करते हैं? वेल यस, प्रैंक कॉल्स आती हैं, क्या मैं कह सकती हूँ, हमारी आवाम है, मासूम लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा 15 एक एमरजेंसी नंबर है और इसे सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत हाल में ही इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी कॉल करने से इस्तनाब करें, क्योंकि मुमकिन है जिस वक्त में आप प्रैंक कॉल कर रहे हैं उस सूरत में हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसे वाकई में हमारी ज़रूरत हो। सो अगर हम आपके साथ इंगेज रहेंगे तो हम उन तक वो मदद नहीं पहुंचा सकेंगे, या हो सकता है थोड़ा डिले आए जिसकी वजह से किसी का जानी या माली नुकसान हो सकता है। सो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। नाज़रीन, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा, यहाँ के इंचार्ज, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इकदाम किए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सिदरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। अच्छा सिदरा, मुझे ये बताएं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो केसेज हैं वो आपके पास कितने आते हैं? मैडम डेली बेसिस पे हमारे पास जो चाइल्ड केसेस की रेशो है वो 130 से 140 है विद इन 24 आवर। उसमें हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, बच्चा गुम हो गया, किसी को बच्चा मिला है, या चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी अब्यूजेज हैं, चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, ये कुछ हमारे की फीचर्स हैं। इसमें हम ये क्या करते हैं कि लीगल गाइडेंस भी देते हैं। कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर चाइल्ड अब्यूज हुई है तो उस केस में हमने इसको परस्यू किस तरह से करवाना है, तो 24/7 एक्टिवली हम उनको लीगल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई बच्चा मिला है, बच्चा गुम हो गया, उसकी डाटाबेस भी मेंटेन करते हैं, अगर किसी की रिपोर्ट होती है हम क्रॉस मैच करके डाटाबेस से बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवा देते हैं। सेकेंड थर्ड पे हमारे पास आती है डिजिटल डाटाबेस फॉर फेस रिकग्निशन। इसमें हमारे पास मेरा प्यारा ऐप, एक मेरा प्यारा एक फीचर है पंजाब पुलिस 15 की ऐप के अंदर, हर थाने के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, कोई बच्चे की कंप्लेन पूरे पंजाब में किसी भी पुलिस स्टेशन में होती है तो वो क्या करते हैं उस बच्चे की पिक्चर विद उसके कवायद सारी इसके अंदर अपलोड कर देते हैं, हम उससे भी क्रॉस मैच करके चेक कर लेते हैं, फेशियल रिकग्निशन उससे हो जाती है हमारी। स्ट्रीट चाइल्ड, अगर बच्चे जो गुमशुदा हो गए हैं, बच्चे गली में कुछ किसी को मिले हैं, वो वाली सारी इंफॉर्मेशन भी हमें रिसीव होती हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन विद अलाइड डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन हम किस तरह से करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमें मिला है, लाइक स्पेशल चाइल्ड है, अगर तो वो बच्ची है एडल्ट है तो हम उसे दारुल अमान में भेज देते हैं, अगर वो छोटा बच्चा है तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कॉन्टैक्ट करके बच्चे को उनके हवाले कर देते हैं। मीनवाइल हम ईदी सेंटर से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, ईदी सेंटर वाले जो हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं बच्चों को टेक ओवर करने में। अच्छा, इसके अलावा है कॉर्पोरल पनिशमेंट, टॉर्चर या कॉर्पोरल पनिशमेंट जो स्कूल्स में बच्चों के साथ ज्यादती होती है, स्कूल में टीचर्स मारते हैं, कारी साहब ने मार दिया, तो उस पर भी हम लीगल प्रोसीडिंग करवाते हैं थ्रू 15। इसके बाद आती है कि रन अवे किड्स या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बैगिंग, अगर बच्चे जो हैं घर से भाग गए हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाते हैं,
उनके हवाले से भी जो 15 पे कंप्लेन आती हैं हम उन्हें भी इंटरटेन करते हैं। ये सारे जो की फीचर्स हैं ये बच्चों से रिलेटेड हैं। बच्चे जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता वो हमारे लिए बच्चे हैं और हम उनकी कंप्लेन को इंटरटेन करते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमारा पुलिस है उसको फौरी तौर पर मौका पर भिजवाते हैं। नाज़रीन आपने देखा कि सेफ सिटी अथॉरिटी में किस तरह से काम होता है और कितने डिपार्टमेंट हैं और 15 का क्या काम है और जो नई एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई है विर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की उसको भी मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह से वर्क करती है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।